नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा विद्युत लोको शेड अजनी के खराब रोड के कारण कर्मचारियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन सुस्त प्रशासन के झूठे आश्वासन से त्रस्त होकर कर्मचारी अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा आंदोलनकारियों द्वारा कहा गया है। देखो, हमने जो आंदोलन जो कि आज खड़ा नहीं किया है, पिछले एक साल से जो है हम इस रोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाजू में जो ये मधेपुरा MIPL का जो वर्कशॉप जो बन रहा है, इसके कारण हमारा रोड यहाँ से जो रोड था पहले वो रोड को तोड़ा गया। पर्यायी रोड बनाने के लिए फरवरी माह में भी हमने जो है आंदोलन का नोटिस दिया था, उस समय हमारा निगोसिएशन हुआ और उन्होंने बोले कि हम जल्द से जल्द कर देंगे रोड। इसके पश्चात भी आज तक रोड नहीं बना और उसके कारण जो है शेड के हमारे लगभग 20 से 25 लोग जो है, किसी का हाथ टूट गया, किसी को फेस को मार लगा, बहुत से लोग गाड़ियाँ खराब हो रही है, यह कंटिन्यू चलते आ रहा है। क्या हम इस बात का इंतजार करें कि कोई यहाँ पे बड़ी अनहोनी हो या उसके बाद ही प्रशासन रोड बनाएगा? तो यह सबको अगर आगे का जो रिपरकेशन जो है ये अवॉइड करना है तो आपको जो है कर्मचारी को ये सुविधा आपको जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसके जान का जो मूल्य जो है वो बहुत ही अनमोल है, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए। ये छोटा सा एक रोड है, बहुत बड़ा रोड नहीं है और हम इसके लगातार मांग करते आ रहे हैं। अगर प्रशासन अगर आज भी हमारी मांग पूरी नहीं करता है तो हमने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि इसके बाद में हमारा जो है क्रमिक अनशन ये चालू रहेगा, जब तक रोड नहीं बनता तब तक। कोई भी NRMO का जो साथी जो है डेली जो है यहाँ पे 10 लोग जो उपोषण पे बैठेंगे, चाहे उसके लिए कितने भी दिन लगे, मेरे शेड की कैपेसिटी जो है 800 लोगों की है और नागपुर डिवीजन में NRMO की जो मेंबरशिप है लगभग 8000 के ऊपर है। इस परिस्थिति में हम यह आंदोलन को साल भर भी चला सकते हैं। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो कब रोड बनाना चाहती है। ये जो रास्ते की हालत देख रहे हैं, यहाँ 750-800 कर्मचारी काम करता है TRS शेड में, और जिस तरीके से रेलवे का जो कार्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रेल आवाज देखता है, जो सिविल का जो कार्य है, ये कार्य करना उनकी जिम्मेदारी है। रेलवे उनको पगार इसीलिए दे रही कि ये देख रेख उनको देख करना है, फंड आवंटित करते कि इतना इतना काम हमारे पास है और इसको हमको इतना पैसा चाहिए, वो सब मिलने के पश्चात भी इन्होंने वो काम नहीं किया। हमने अपना मंडल रेल प्रबंधक से कल भी बात की और बातचीत शुरू है, लेकिन इंजीनियरिंग के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारे इंडस्ट्री रिलेशन रख के फायदा क्या? अब मैदान में आके लड़े, बातचीत चैम्बर में होती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। और यूनियन को इनके कामों के लिए, इनका कार्य क्या है ये बताने के लिए धरने मोर्चे भूख हड़ताल करना पड़े तो फिर क्या रखने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आज रेल आवास इतने अजनी में 2000 से ऊपर थे, अधिक थे, आज संख्या कम होगी।